अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर PP-170 में मौजूद हूँ। इमरान खान साहब यहाँ से भी जीत चुके हैं, PTI यहाँ से भी जीत चुकी है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं, खवातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद इस सेशन में शरीक है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कितने खुश हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, मुझे ये बताएं आपके चेहरे से मुझे पता चल रहा है आप कितने खुश हैं। मैं कहती हूँ बल्ले की बल्ले बल्ले हो गई, हमारे खान का नाम जो है ऊंचा चला गया, और जो हमारी खुशी है उसको मैं बयान भी नहीं कर सकती। बहुत खुशी हुई, अल्लाह का शुक्र है ये इंतखाब जो है इमरान खान की उम्मीदों पे पूरा उतरा, बहुत खुशी हुई। अच्छा मुझे ये बताएं, जो लोग इमरान खान का नाम मिटाने आए थे, जो लोग इमरान खान की सियासत खत्म करने आए थे, और ये जो इमरान खान की पार्टी छोड़कर गए थे, इन्हें क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि इमरान खान को जिसने भी मिटाने की कोशिश की है वो खुद मिट गया, इसलिए कि इमरान खान जो है वो सच्चा लीडर है, ईमानदार है और गयूर है, और हमारी कौम को ऊपर उठाने के लिए आया है। उसको जो मिटाएगा वो खुद मिट जाएगा, इंशाल्लाह इमरान खान रहेगा। खुशी कितनी है मुझे ये बता, खुशी का? खुशी तो बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी, बहुत खुशी तो अंदर से फूट फूट के निकल रही है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इन लोगों ने जो हमारे साथ किया अल्लाह ने उनके साथ डबल में गिराया नीचे। सलमान का देखा क्या हाल हुआ मुल्तान में, इन लोटों का इंशाल्लाह जो भी कोई किसी के साथ बुरा करेगा अल्लाह दिखाएगा। कल खान साहब ने कहा था कि कल शाम को मैं मुस्कुराऊंगा, तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारा खान मुस्कुराएगा। अल्लाह 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 की जो। अच्छा मुझे बताएं, जो इमरान खान को छोड़कर गए, इमरान खान की पार्टी छोड़कर गए, जिन्होंने इमरान खान की सियासत खत्म करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? भाई वो तो क्या कहना उन लोटों को, वो लोटे तो लेटरिन के जब बाथरूम के लोटे थे, बाथरूम में उनकी जगह चले गई, वहाँ बैठे जाके आराम से। बस अब वो लोटे जो है वो बाथरूम में ही रहेंगे इंशाल्लाह। अब तो लोग वो लोटे बाथरूमों में भी नहीं इस्तेमाल के काबिल रहे। खुशी कितनी है, खुशी कितनी है, मुझे खुशी का बता दो। खुशी इंतहा से ज्यादा। लोटे 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 लोटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। कितने खुश हैं आप, मुझे बहुत खुश नजर। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और मैं आपको, मैंने कल भी परसों भी जलसे में बोला था कि मैं आपको सब्सक्राइब भी किया, आपके आपको देखती भी हूँ, और आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप इतनी हिम्मत से जो मतलब काम कर रहे हैं इनके खिलाफ, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और ये कि बस मैं तो बहुत परेशान थी कि हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, दुआ हमारी कबूल की और इज्जत दी है, दुआएं कबूल हुई। मैं तो खान साहब ने कल शाम को कहा था लाइव कॉल में कि मैं शाम को मुस्कुराऊंगा इंशाल्लाह। क्या समझ रहे खान साहब, आप हंस रहे होंगे, मुस्कुराना तो शुक्र शुक्र अदा करोगे अल्लाह ताला का, शुक्र अदा कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कितने खुश हैं आप, अपनी खुशी का बता दें। हम इतने खुश हैं कि हमने अभी नफल पढ़े शुक्राने के, लोग कहते थे तुम लोगों के साथ हम मेहनत करते थे, लोग हमें डिमोटिवेट करते कि अदारे तुम्हारे साथ नहीं है, जो भी है अल्लाह, आज अल्लाह अल्लाह की ताकत नजर आई है, अल्लाह ताला ग्रेट है, अल्लाह सच की फतह की है, अल्लाह ने हमारे जहाद में कामयाबी दी है, आज हम बहुत खुश हैं। मुझे ये बता दे, जो लोग इमरान खान की सियासत खत्म करना चाहते थे, जो इमरान खान की पार्टी छोड़कर गए, क्या कहेंगे आज उनका हाल हुआ? देख ले, अल्लाह ताला हमेशा हक की फतह करता है, ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला की मदद आई है, जो बंदा ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह और मदीना का रियासत बनाने का नाम लेता था उनके मुंह पे चपेड़े पड़ी हैं। बहुत शुक्रिया जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने खान साहब को सच्चा साबित कर दिया, खान साहब को इज्जत दी, हम सब बहुत खुश हैं। हम पिछले एक महीने से ज्यादा हो गया हम ये मेहनत कर रहे थे, और आज अल्लाह ताला ने हमें उसका फल दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इस जिस हलके में मौजूद हैं, साथ वाला गुजर का हलका, लाहौर में भी तकरीबन जीत गए हैं, पूरे पंजाब में जीत गए, कहते थे कि लाहौर तो साडा घर है, लाहौर साडा घर है, मरियम ये कहती है उनकी हरकतों की वजह से ना उनका घर उनसे छिन गया है। ये बुरी हरकतों के नतीजा यही होता है कि अपना घर भी अपना नहीं रहता, उनका घर यहाँ नहीं है, उनका घर लंदन में है, उनको कहें जाएं अब लंदन में घर बनाएं अपने, वहाँ पे ये पाकिस्तान ये लाहौर हमारा घर है, हो गया ना कि बाहर ना निकल सके वो। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ये बताएं कितने खुश हैं आप, आपको जो खुशी है सर चारों तरफ नजर आ रही है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये फतह नसीब की,
और जो लोटे थे उनको मुंह की खानी पड़ी। जो लोग अपने जमीर का सौदा करते हैं, आज ये चीज साबित हो गई कि उनको कभी भी फतह नहीं मिल सकती अल्लाह के फजलो करम से। बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं, आगे जाके इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं परसों भी आया था, आपसे इंटरव्यू किया, तब भी आप बहुत खुश थे, मुझे लगता है आपको पहले ही पता था कि हमने ये मैदान मार लिया। रूहानियत मैंने कहा था कि कहते हैं लाहौर हमारा गढ़ है, मैंने कहा था कि इस टाइम पीटीआई के वोटर लाहौर को इनके लिए गढ़ा बना देंगे, और आज आवाम ने उनको बता दिया कि आज से लाहौर तख्ते लाहौर जिसके वो दावेदार थे, अब वो तख्त उलट चुका है और इनको पता चल चुका है कि ये अपने गैर अवाम के खिलाफ जो इन्होंने इतने फैसले किए, जो गुलामी को नामंजूर किया है अवाम ने, अवाम ने खुददार जिंदगी को चूज़ किया है, इमरान खान को चूज़ किया है और इमरान खान के नज़रिए को वोट दिया। खुशी कितनी है अभी आप जीत? ओह अल्लाह का शुक्र, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र उस रब की ज़ात। सब कहते थे सारे अदारे एक तरफ हैं, सब आपके अगेंस्ट हैं, आप कैसे जीतेंगे? मैंने कहा था हक के साथ अल्लाह होता है और अल्लाह ही जिताता है, अल्लाह सबसे बड़ी पावर है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो लोग इमरान खान को छोड़ के, इमरान खान की पार्टी छोड़ कर गए, जिन्होंने पैसा चलाया यहाँ पंजाब में, पैसा चलाया जहांगीर तरीन ने चलाया, अलीम खान ने चलाया, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखें लोटों की जगह सिर्फ बाथरूम में होती है, ये बात मेक श्योर है। पैसा चलाए ये कौम अब तुम्हारे झांसों में आने वाली नहीं, और मुस्तकबिल में भी कोई सोच ले जो लोटा बनेगा उसका यही हाल होगा, हम उसको बाथरूमों में, गुसलखानों में उनकी जगह पे पहुँचा के छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो माशाल्लाह चेहरे से बहुत खुश लग रही हैं। जाहिर है हमने मैदान मारा है आज अल्लाह के फजल से, तो खुश तो होंगे हम। ठीक है, तो क्या समझते हैं कितनी, खान साहब ने भी कहा था कि मैं कल शाम को मुस्कुराऊंगा, तो अब तो खान साहब हंस रहे होंगे आपकी जीत देख के। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को कबूल किया और हमें इस जीत से हमकनार किया। तो ये मैं समझती हूँ कि ये तमाम इदारों को और ये तमाम करप्ट टोले को पाकिस्तान की अवाम का पैगाम है कि पाकिस्तान पे रूल अब सिर्फ पाकिस्तान की अवाम करेंगे, ये अवाम का फैसला है, तो इसे कबूल करना होगा हर किसी को। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पहले ये बता दें, जीत चुके हैं आप, रिजल्ट आ गया है और आपने ना सिर्फ लाहौर मारा, पूरा पंजाब मार लिया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस बारे में सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी कि हम बहुत ही खुदा ताला का शुक्र करती हैं कि हम दोबारा, हमें अल्लाह ने इज्जत दी है और अब इनको पता चल गया होगा कि इज्जत देने वाला खुदा और खुदा ने हमें इज्जत दी है, हमें बहुत ही शुक्र अदा करती हैं हम खुदा का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने लोटों को, यानी कि जो जवाब दिया है, मेरा ख्याल है वो सोचेंगे कि हमने अपने साथ क्या कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जीत गए हैं और हमने सबसे ज़्यादा लीड हासिल की है, उस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और पीटीआई ने यानी वो मार्का मारा है, मेरा ख्याल है कि ये आवाम का फैसला है, ये आम लोगों का फैसला है, जो यानी कि जो रिज़ल्ट आया है ये अब पता चल गया लोगों को कि ये फैसला आवाम का है, आवाम ने फैसला किया है कि हमने जीतना है और अपने हक के लिए ये जंग लड़नी है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहना चाहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पहले लोटे थे वो आज डबल लोटे बन गए, उनकी इतनी को इंसल्ट हो गया, वो इतनी कि उनकी हार हो गई, वो दोबारा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। आज खान साहब की जीत हुई है, ये सच की जीत हुई है और ये पूरे हक के ऊपर जीते हैं। इंशाल्लाह ताला ये दोबारा भी आएंगे, दोबारा भी जीते।